हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अदितिस कुक बुक में। मैं आज आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लाई हूँ, आज मैं आपको बेहतरीन किचन टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलते हैं आज की पहली टिप पर। अक्सर आप बाहर से कोई नया बर्तन खरीदते हैं तो उस पर इस तरह के स्टिकर लगे होते हैं, अगर आप इन्हें ऐसे ही उतारते हैं तो ये अच्छे से उतर नहीं पाते हैं। तो इन्हें उतारने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको सबसे पहले गैस ऑन करनी है और इस तरह से बर्तन को थोड़ा सा ऊपर रखते हुए हल्का सा गर्म करें जहाँ पर स्टिकर लगा है, और अब इसे इस तरह से फटाफट से हटा लें। तो ये देखिए कितना आसानी से ये निकल रहा है और ये जो बचा हुआ निशान है वो धोने से निकल जाता है। और इसी तरह आप बर्तन जहाँ स्टिकर लगा है उसकी उल्टी तरफ भी गर्म करके स्टिकर को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल रहा है। तो कैसी लगी आपको ये टिप, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कभी कभी हमारे पैकेट्स में कुछ सामान बच जाता है, उन्हें हम ऐसे ही रख देते हैं और फिर उसमें सीलन आ जाती है। तो सीलन से बचने के लिए आप क्या करें, इसको पहले हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब हम एक नाइफ लेंगे और इसे हम गैस पर दोनों तरफ से गर्म कर लेंगे और इसे तुरंत ही हमें फटाफट जहां पर हमने काटा है पॉलिथीन के किनारों पर इसे प्रेस करना है। अगर एक बार में आपसे ये ना हो तो दूसरी बार गर्म करके दोबारा से यही प्रोसेस करना है। तो आपको ये दिखाती हूँ ये कितने अच्छे से पैक हो गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पैक हो गया है, कहीं भी खुला हुआ नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी सामान थोड़ा बहुत बच जाता है उसे इस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर घरों में मिक्सियाँ बहुत ही गंदी हो जाती है, तो ये देखिए कितनी गंदी दिख रही है, कितने जिद्दी दाग इस पे लगे हुए हैं। तो सवाल यह है कि इसे साफ कैसे किया जाए और इसको एकदम नया कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए आपको घर का एक टूथपेस्ट लेना है और एक ब्रश लेना है। टूथपेस्ट को इस तरह से सभी जगह अप्लाई करना है और अब हम एक ब्रश लेंगे और उसकी मदद से इसको रगड़ना शुरू करेंगे। सभी जगह अच्छे से फैला लीजिए और अच्छे से रगड़िए। आपको अगर लगता है कि पेस्ट है वो ड्राई हो रहा है तो हल्का सा ब्रश को पानी में डुबोइए और वापस से सफाई शुरू कर दीजिए। इसमें हमें पानी का यूज ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, ओनली ब्रश को ही हमें डुबोना है। सभी जगह से की सफाई होने के बाद आप एक सूखा कपड़ा लें और इस तरह से मिक्सी को पोंछ लें। पोंछने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कितनी बेहतरीन इसकी सफाई हुई है कुछ ही मिनटों में। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्सी साफ हो गई है, एकदम चमक गई है। यहाँ पर ये बहुत जिद्दी दाग थे वो भी एकदम साफ हो गए हैं। चारों ओर आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो गया है। तो आप मान सकते हैं अपने टूथपेस्ट का कमाल। कैसी लगी आपको ये ट्रिक, इस बार ज़रूर आजमाएं। चलते हैं अगली टिप की तरफ। कभी कभी हम धनिया लाते हैं, ऐसे ही रखते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। बहुत दिनों तक फ्रेश कैसे रखें धनिया को, तो उसके लिए आपको लेना है एक टिश्यू पेपर। अगर टिश्यू पेपर ना हो तो आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, उसमें धनिया को रखिए और फोल्ड करिए और एक एयरटाइट डब्बे में बंद कर दीजिए और अब इसे फ्रिज में रख दीजिए। ये करने से काफ़ी दिनों तक आपका धनिया फ्रेश रहेगा। इसी तरह आप मेथी पालक सभी को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। धनिया को हम किस तरह से साफ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके घर में कोई इस तरह की छेद वाली छलनी हो वो ले लीजिए और इसमें से धनिया को निकाल लीजिए। तो पत्ते हमारे ऊपर रह जाएंगे और डंठल नीचे रह जाएंगे। तो बहुत ही आसान टिप है, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। लहसुन के छिलकों को हम कितने आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक बर्तन लेना होगा। इसमें हमें लेना होगा गर्म पानी। गर्म पानी में ये लहसुन अलग अलग करके हम डाल देंगे और इसे 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद जब आप इस तरह से इसके छिलके उतारेंगे बहुत ही आसानी से निकल आएंगे।
ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।